हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है। दोस्तों, आज स्पेशली आपके लिए एकदम नया और एकदम हाई टेक्नोलॉजी का मशीन लेके आया हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए दोस्तों। पूरी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कॉन्सेप्ट और मार्केट में एकदम नया मशीन लेके आया हूँ दोस्तों, जो एकदम कॉम्पैक्ट मशीन है, जो शुगर कैन मशीन, ऑटोमेटिक शुगर कैन मशीन विथ चिलिंग सिस्टम, कंप्रेसर के साथ में ठंडा होके झूस इसके अंदर से निकलेगा दोस्तों। तो ये वीडियो के अंदर है मशीन की पूरी खासियत बताऊंगा, जानकारी दूंगा कि मशीन में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्वालिटी है, क्या वेराइटीज है। इसके अंदर हमने म्यूजिक सिस्टम भी डाला हुआ है, लाइटें भी डाली है, स्टेनलेस स्टील से मशीन बनाई है, पूरा चिलिंग सिस्टम से ऑपरेट। जिसको गर्म पीना है वो गर्म भी आप दे सकते हो, जिसको ठंडा पीना है उसको चिल्ड भी दे सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए दोस्तों, जिससे आपको डिटेल्स मिले और जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल देने से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये मशीन शुगर कैन मशीन विथ चिलिंग सिस्टम, विथ कूलिंग सिस्टम वाली मशीन है, जो हमने पूरी स्टेनलेस स्टील में बनाई है। आप देख सकते हो दोस्तों, पूरी पाइप के ऊपर बनी है, स्टेनलेस स्टील से है मशीन बनी है। एक कोई भी एक जगह पे भी हमने इसमें एमएस या लोहे का यूज नहीं किया दोस्तों, पूरी स्टेनलेस स्टील से 100% मशीन बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, आप ये मशीन का लुक देख सकते हो, इसका पूरा एकदम कॉम्पैक्ट साइज में बनी है। इसका आप साइज भी देख सकते हो, एकदम कॉम्पैक्ट साइज है और पूरी काट है दोस्तों। इसको आप मूवमेंट पे कहीं पे भी ले जा सकते हो, कहीं पे भी आपको मूवमेंट करना है, ले जाना है तो ले जा सकते हो दोस्तों। नीचे हमने यहाँ पे हेवी व्हील्स लगा दिए, आप देख सकते हो 4 व्हील पूरे हेवी लगा दिए, जिससे आप कोई भी मार्केट रोड एरिया में भी जाना है आपको, जहाँ पे खड्डे बम्प है तो भी आप आराम से ले जा सकते हो। इसके व्हील खराब नहीं होंगे, ना तो इसका व्हील कुछ प्रॉब्लम आएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये मशीन के अंदर हमने यहाँ पे पूरा ऊपर से छत्ता बना दिया, इसका छत बना दिया, स्टेनलेस स्टील से ही बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, पूरा छत भी इसका स्टेनलेस स्टील का है। प्लस यहाँ पे हमने लाइटिंग सिस्टम डाली है दोस्तों, 3 अलग अलग कलर का लाइट आप डाल सकते हो इसके अंदर, 3 अलग अलग कलर होगा इसके अंदर, जिसका स्विच हमने यहाँ पे दिया है, और चारों चार लाइट का अलग अलग स्विच दिया है। जैसे आपको 2 लाइट स्टार्ट करना है तो 2 कर सकते हो, चारों चार करना है तो चारों चार कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके लाइट बताता हूँ, आप देख सकते हो ये दूसरा लाइट हुआ है, ये तीसरा लाइट और ये चौथा लाइट है, चारों चार लाइट स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ये टोटली व्हाइट कलर का लाइट है, अभी आपको येलो कलर करना है इसका, तो ये आप इसको येलो कलर भी कर सकते हो, ये येलो कलर हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये येलो कलर का लाइट हो चुका है। उसके बाद ओम लाइट करना है आपको, तो तीसरे कलर भी आप कर सकते हो, ये तीसरा कलर है ओम व्हाइट है, ये आप देख सकते हैं। तो जैसा भी लाइटिंग कलर है, 3 अलग अलग कलर्स की लाइट आप इसके अंदर से कर सकते हो दोस्तों। तीसरे नंबर में दोस्तों, इसके अंदर से टोटली चिल्ड होके जूस निकलेगा, और 1 टाइम क्रशिंग मशीन है, एक ही बार गन्ना है डालना है आपको दोस्तों, बार बार, 2 बार 3 बार गन्ना डालने का जरूरत नहीं है। कस्टमर आए आपके पास, लाइव आपके सामने गन्ना डालना है, उसके बाद नल खोल के सीधा ग्लास भर के जूस दे देना है आपको। ठीक है, और ये मशीन है ऑनलाइन चिलिंग मशीन है दोस्तों। ऑनलाइन मतलब कि जैसे आपने गन्ना डाला तो वही जूस ठंडा होके निकलेगा, ना तो अंदर स्टोर पड़ा रहेगा, ना तो 10-20-50 ग्लास स्टोर रहेगा, जिसके हिसाब से शुगर केन का कलर काला हो जाता है, जूस का कलर काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो ऐसा भी कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि लाइव टू लाइव देना है आपको, जो गन्ना डाला उसका नल में से खोल के उसका जूस निकाल देना है। मैं आपको ये गन्ना डाल के इसमें से जूस निकाल के बताता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इस टाइप का गन्ना रहेगा आपको, इसको गन्ने को आपको इसे डालना है इसके अंदर, इसका मशीन है, मशीन का स्विच स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर नींबू या ऐसा कुछ आपको डालना है तो इसको आगे नींबू भी लगा देना है आपको, आप देख सकते हैं नींबू लगा देना है आपको, उसके बाद मशीन स्टार्ट करना है, मशीन को स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करा है मशीन को, गन्ने डालेंगे इसके अंदर हम, ये आप देख सकते हो पूरा गन्ना एंटर हो रहा है। अगर आपको कुछ पुदीना डालना है या आदू डालना है तो पुदीना भी डाल सकते हो इसके अंदर, या पुदीना है, पुदीने का टेस्ट कोई कस्टमर रिक्वायर्ड करता है तो पुदीने का आप टेस्ट भी इसके अंदर डाल सकते हो। अगर कोई कस्टमर रिक्वायर्ड करता है कि आदू वाला जूस पीना है उसको, तो आदू का भी पीस तोड़ के आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये हो गया इसका क्रशिंग कंप्लीट। अभी इसको जब जूस निकालना है तब यहाँ पे इसका 2 सर्विंग वाल दिया है हमने, ये दोनों सर्विंग वाल है, जैसे आपको यहाँ पे ग्लास रख देना है इसका, ये आप देख सकते हैं, सीधा आपको नल खोलना है इसे, ये आप देख सकते हैं एकदम चिल्ड और ठंडा, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका चिल्डनेस का छारी बन रहा है यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे पूरा चिल्डनेस का छार बन रहा है इसके अंदर। ये इसका जूस निकल के कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं एकदम वो चील्ड और ठंडा जूस है। आप देख सकते हो ग्लास के ऊपर भी छारी जम चुका है, देखिए दोस्तों मेरा उंगली से इसका जो छार बाहर निकलता है चील्डनेस का, ये छार जम चुका है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। और एकदम ग्रीन कलर का जूस है इसमें, आप देखिए कलर जरा भी डार्क नहीं है इसके अंदर दोस्तों। जो गन्ने में से जूस निकला है वही एकदम चील्ड और ठंडा होके निकला है मशीन के अंदर से दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर दोस्तों आपका बिजनेस हाई है, आपके वहाँ गिराकी ज्यादा रहती है दोस्तों, तो आप एक साथ दोनों नोजल भी स्टार्ट करके जूस निकाल सकते हो इसमें से, ठीक है। अभी ये एक और मैं इसके अंदर गन्ना लगाऊंगा जिससे हम जूस का क्वांटिटी निकाल लेंगे इसमें से। इसके अंदर हम थोड़ा आलू डाल देंगे इसके अंदर, लगा के आपको छोड़ देना है इसको। अगर मौसम्बी डालना है, ऑरेंज डालना है, तो मौसम्बी है ऑरेंज है उसका भी टेस्ट अगर डालना है, अगर कोई कस्टमर रिक्वायर्ड करता है कि मेरे को मौसम्बी का भी पीस डाल के उसका भी टोन डाल निकालना है इसके अंदर से, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तों। या मौसम्बी भी डालेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों हम एक साथ आपको दोनों में से जूस निकाल के बताएंगे इसमें से। ये दोनों नोजल है इसके, दूसरा भी नोजल है इसमें से, अभी हमने निकाला नहीं है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखिए पूरा एक साथ। कस्टमर ज्यादा है आपको, गिराकी ज्यादा है, तो एक साथ दोनों का भी आप यूजिंग कर सकते हो, एक साथ दोनों जूस निकाल सकते हो इसके अंदर से, आप देख सकते हैं पूरा। ये गिलास भर चुका है, ये आप देखिए पूरा। एकदम बेहतर क्वालिटी का जूस निकल रहा है इसके अंदर से, देख सकते हैं पूरा, ये आप देख सकते हैं। इसका कलर देखिए आप दोस्तों, इसमें हमने थोड़ा मौसम भी डाला है इसलिए थोड़ा पीला कलर हो चुका है इसमें, इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर मौसम भी डाला हुआ है। आप देखिए इसमें मौसम भी बिना का है, ये मौसम भी वाला है। तो दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का मशीन है, इसके अंदर हमने म्यूजिक सिस्टम भी डाला है, अंदर मशीन के अंदर ही म्यूजिक सिस्टम डाला हुआ है दोस्तों, जिसको आप मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके म्यूजिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका म्यूजिक भी स्टार्ट करके बताता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा, हमने इसमें मोबाइल में कनेक्ट किया है उसका ब्लूटूथ, तो देखिए स्टार्ट हो चुका है। आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, म्यूजिक बज रहा है इसके अंदर, आप जो भी गाना बनाना बजाना चाहते हैं दोस्तों, जो भी म्यूजिक बजाना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर बजा सकते हो। अभी हम इसको बंद कर देंगे और थोड़ा मशीन का फ्रंट लुक भी आपको आगे से भी घुमा के बताएंगे, इसका टेम्परेचर कंट्रोलर कितना चिल्ड होता है, कितना टेम्परेचर कंट्रोल है, तो वो सब भी आपको मशीन को थोड़ा फ्रंट में घुमा के आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं पूरी मशीन, जैसे मैं आपको लाइव गन्ना डाल के भी इसमें बताऊंगा, अगर कोई कस्टमर मांगता है कि उनको गरम जूस पीना है, ठंडा जूस नहीं पीना है, तो लाइव उसको आप गरम जूस यहाँ से निकाल के दे सकते हो उसके अंदर, गिलास आपको तो प्लास्टिक ना। जैसे मैंने आपको गन्ना डाल के बताया, तो आप यहाँ से गन्ना डाल सकते हो इसमें, ये नींबू है, नींबू डालना है तो आपको बताया था वैसे आप नींबू भी डाल सकते हो इसके अंदर लगा के गन्ने के अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। अगर ये पुदीनहरा डालना है आपको उसमें, तो पुदीनहरा भी डाल सकते हो उसके अंदर, आप देख सकते हो पूरा ये जूस निकल गया है। अभी ये मशीन हो गया बंद आपका, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बताया गया इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है इसका, कितना चिल्डनेस है, कितना ठंडा है, ये सब यहाँ पे आपको दिखाएगा इसके अंदर।
अगर कोई कस्टमर सादा जूस मांगता है, गर्म जूस चाहिए, तो आप यहाँ से नल खोल के उसको सादा जूस दे सकते हो। आप देखिए पूरा, ये ठंडा नहीं है, चिल्ड नहीं है, ये नॉर्मल है। ये आप देखिए, प्लस हमने अभी आपको जो ठंडा जूस निकाल के बताया था, ये यहाँ से ठंडा जूस निकलेगा, इसका चिल्ड जूस। आप देखिए पूरा, इसका कलर देखिए दोस्तों, ये लाइव टू लाइव आता है, इसलिए कलर इसका डार्क नहीं होता है। अगर इसके अंदर स्टोर पड़ा रहेगा, जूस पड़ा रहेगा, वो स्टोर चिल्डर वाला कोई कस्टमर कहीं से आप मशीन लेते हो, तो उसमें उसका कलर डार्क हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे इसका बॉक्स है, जिसके अंदर जो इसका वेस्ट जाता है, गन्ने का जो कचरा जाता है, वेस्टेज जाता है, तो ये इसके नीचे अंदर जाता है। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डोर दिया गया इसका, ये जैसे आप डोर इसका ओपन करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने एक बॉक्स दिया गया, आप देख सकते हैं पूरा। आप देखिए यहाँ पे, ये पूरा इसका वेस्टेज है, ये कचरा है पूरा इसका, जरा भी इसके अंदर जूस नहीं बचा है दोस्तों, पूरा 97% क्रश हो चुका है इसके अंदर, पूरा बिखर ही चुका है। आप देख सकते हैं पूरा 97% क्रशिंग रेशियो हो रहा है। इसका बॉक्स भी हमने स्टेनलेस स्टील से बनाया है, इसको भी कोई पत्रे से या लोहे से या एमएस से नहीं बनाया दोस्तों, स्टेनलेस स्टील से इसका बॉक्स भी हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पे कूलिंग सिस्टम है इसका, वेंटिलेशन एयर निकालने के लिए हमने यहाँ पे जाली दिया गया है पूरा, जिससे इसका जो वेंटिलेशन एयर सक्शन जो रहता है वो बाहर निकलता है यहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको आज पूरी कॉम्पैक्ट मशीन बताई, इसकी इस टाइप की पूरी कॉम्पैक्ट मशीन बताई, बेस्ट क्वालिटी की दोस्तों। इस टाइप की मशीन आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है दोस्तों, आज की तारीख में एकदम नया बिजनेस है, पूरा कॉम्पैक्ट नया डिजाइनिंग नया मॉडल है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। वन टाइम में आपको इसके अंदर गर्म जूस चाहिए तो गर्म दे सकते हो, ठंडा पीना है किसको तो ठंडा पी सकते हैं, इस टाइप का मॉडिफाई करके अलग अलग टेस्ट वाला गन्ने का जूस पीना है तो भी पी सकते हैं दोस्तों। तो आज की तारीख में बहुत ही चलने वाला और बहुत ही मार्केट में पॉपुलर बिजनेस है। आपका कोई स्ट्रीट में, कोई एरिया में कोई दुकान है, शॉप है, या कोई आपका बड़ा मॉल में शॉप है, तो ये मशीन लेके आप वहाँ पर अपना एक बिजनेस, एट्रेक्टिव बिजनेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आई अगर आपको, और मशीन की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप डायरेक्टली हमारी कंपनी के नंबर पे फोन करके, कांटेक्ट करके हर एक जानकारी डिटेल ले सकते हो। मशीन की प्राइस क्या है, डिलीवरी कैसे मिलती है, कितने दिन में तैयार होती है मशीन, क्या क्या फंक्शन है, मशीन की साइज क्या है, हर एक जानकारी हमारी सेल्स टीम से आप ले सकते हो दोस्तों। मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी सेल्स टीम एक्टिव रहती है, सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक, ये टाइम पर आप कॉल करके हर एक जानकारी, डिटेल, फंक्शन ले सकते हो दोस्तों ये मशीन की। और हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे कि खाली आपको शुगर केन मशीन ही चाहिए, पूरा ट्रॉली नहीं चाहिए, ओनली मशीन चाहिए, इलेक्ट्रिक मशीन चाहिए तो वो भी हम बनाते हैं दोस्तों। बैटरी ऑपरेटेड मशीन चाहिए कि विदाउट पावर पे, अगर आपको चलानी आपके एरिया में पावर नहीं है, विदाउट बैटरी की, विदाउट पावर की मशीन चाहिए तो बैटरी ऑपरेटेड मशीन बनाते हैं, आइसक्रीम मशीन बनाते हैं दोस्तों, हैंड ऑपरेट शुगर केन मशीन चाहिए वो भी हम बनाते हैं दोस्तों। तो बहुत सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, तो एक बार हमारी कंपनी में जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा डिटेल्स, नोटिफिकेशन, जानकारी मिले दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।